देखिए, सबसे पहले तो सारे हरियाणा वासियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शांतिप्रिय और अच्छे सद्भावना में चुनाव हुआ। कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो आमतौर पर चुनाव में घट जाती है। और जो मैं जो शुरू से बात कही, जो खबरें आ रही हैं वो ही आ रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई थी, तो ऐसा लगता है कांग्रेस के पक्ष में क्लीन स्वीप होगा। सर, लहर की आप बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, क्या वजह बीजेपी से नाराज है, सांसदों से नाराज है, केंद्र सरकार से नाराज दिखे लोग? ये जो है बीजेपी सरकार, खास तौर पे जो प्रदेश की सरकार से और सरकार से नाराज है, जो कि इन्होंने वायदा किया कोई भी नहीं पूरा किया। कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक, आमदनी दुगनी कर नहीं पाए, लेकिन लागत दुगनी कर दी, GST लगा दिया हर चीज़ पर। इसी प्रकार से हमारा इलाका, हरियाणा का इलाका, खास तौर पे फौज में भर्ती होते हैं, वो अग्निवीर एक नया सिस्टम ले आए, जिसमें लोगों को बड़ा भारी रिजेंटमेंट है कि अग्निवीर जो है सिर्फ 4 साल के लिए, फिर बाद में क्या करेगा। इसी प्रकार से हरियाणा में जो है, जो जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज पूरे देश में नंबर एक है बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में भी बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ गया। इस वास्ते लोग इससे परेशान थे, विमुख हो चुके थे, और लोगों का मन बना हुआ था छत्तीसगढ़ी का कि कांग्रेस की ओर ही देखें। सर, चंडीगढ़ में भी 1 तारीख को मतदान होना है, वहां भी लगातार बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या हरियाणा में जो आपने कहा कि सरकार मौजूदा जो है उसके खिलाफ लोगों में कहीं ना कहीं रोष है, उसका इफेक्ट चंडीगढ़ पर भी देखने मिलेगा? चंडीगढ़ में मैं गया था, बीजेपी नेता क्योंकि हम भी गए थे सारे, मैं भी गया था, और वहाँ मनीष तिवारी जो हमारे उम्मीदवार हैं जीतेंगे। सर, पूर्व CM है मनोहर लाल, वो कह रहे हैं कि कुछ जगह पर अधिकारियों के द्वारा जो बोगस वोटिंग है वो आज जो है कराई गई है, एक्शन भी लिया जाएगा ऐसे अधिकारियों को लेकर। तो वो क्या लगे हुए हैं, वो क्या है, वो कौन है एक्शन लेने वाले, क्या अथॉरिटी है उनके? मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है किस बात के लिए? अरे, गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे होंगे ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं, और मैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं, हार स्वीकार कर चुके। सर, एक सवाल, सर, दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि पानी की कमी हो रही है और हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, तो दिल्ली में लोग पानी से ट्राई ट्राई मांग कर रहे हैं, तो बात करें वो सरकार से, अपना देखें, हमने हिस्सा बनता था, हमारे समय में तो पूरा देते थे हिस्सा सबका, हम अपना हिस्सा देते थे, लेकिन हमारा हिस्सा जो अभी मिलना है SYL का, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार होती भाई यार? और जो जिस प्रकार से ये जो धमकियां दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता, जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकी दे रहे हैं भाई, किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं?